प्रदेश के मुखिया कोरोना वायरस को लेकर काफी गंभीर है। सीएम गहलोत ने प्रदेश के समाज सेवियों और भामाशाह से अपील कर गरीब आमजन और जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाने की अपील की है। इसके विपरीत रायसिंह नगर में कुछ लोगों ने भामाशाह से या विभाग से राशन लेकर आने वाले दिनों के लिए स्टॉक करना शुरू कर दिया। मंगलवार को नगर पालिका में कुछ महिलाओं ने आकर 4 दिन से भूखे मरने की जानकारी दी और राशन देने की मांग की। इस पर नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों ने उनके घर जाकर भौतिक सत्यापन किया। इसमें पता चला कि यह लोग आगामी दिनों के लिए भामाशाह और विभाग से राशन जुटा रहे हैं। मौके पर ही इनके किचन में रखे हुए राशन का भी वीडियो बनाया गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इस बारे में जब कर्मचारियों ने उनसे पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं मिला। विभाग ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह से दूसरे व्यक्ति के मुंह का निवाला छीनता है और नगर पालिका के सत्यापन में राशन जुटाने की बात सामने आती है तो इसके खिलाफ प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। एवन टीवी भी आपसे अपील करता है कि भामाशाह जो भोजन उपलब्ध करा रहे हैं वो भोजन जरूरतमंद लोगों के लिए है। नगर पालिका ने कंट्रोल रूम बनाया है और उसके नंबर पर सूचना देकर प्रशासन को अवगत भी कराया जा सकता है। सर, एक जो ये वीडियो वायरल हो रखी है नगर पालिका ने जो भौतिक सत्यापन किया था, ये क्या मामला है सर? ये ऐसा है कि पालिका के द्वारा जो खाना वितरण किया जा रहा है भामाशाहों के द्वारा दिया हुआ, तो उन खाने के अंदर आज संयोग से कोई सुबह कुछ महिलाएं आई, उन्होंने बड़ा थोड़ा यहाँ आक्रोश पैदा किया कि हम भूख मर रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो हमने उसी वक्त जो है हमारे पालिका के 2 कर्मचारियों को उनके साथ भेजा उनके घर पर, और जब उनका किचन में जा करके उनके टंकियाँ वगैरह निकाली जो वीडियो में सब कुछ दिखा है, तो उनके पास 2 महीने का आटा, चावल, 2-3 किलो दूध, टोपिया में सब कुछ मिला। कोरोना महामारी को लेकर अलवर में प्रशासन की ओर से सख्ती बढ़ती जा रही है। पंचायत समिति राजगढ़ के सभागार में SDM केशव कुमार मीणा ने अधिकारियों की बैठक ली।